नमस्कार दोस्तों, मैं विजित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैट्रिक में। तो टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हमारे पास है एक्सटूल का PS70 Pro इंडियन वर्जन स्कैनर। तो ये जो स्कैनर है ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन कौन सी स्पेशल फंक्शन है, रिसेट फंक्शन है, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। तो ये जो स्कैनर है ऑलरेडी हमने अनबॉक्स किया है हुआ है और 3-4 दिन मैंने इसको अच्छे से यूज़ भी किया है, ठीक है, चार्ज वगैरह भी किया है, सब देखा है, ठीक है। फिर से बॉक्स में जैसा था वैसे पैक करके रखा था मैंने, तो आपको फिर से मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरह आपको ये स्कैनर मिलता है, जिसमें आपको कुछ वारंटी कार्ड, यूज़र्स मैनुअल्स वगैरह मिलते हैं और टेक्निकल सपोर्ट के लिए फ़ोन नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये इसका मेन जो डिवाइस है, आपको टैबलेट मिलता है इसका, ठीक है। तो 7 इंच का ये टैबलेट है, 1 GB RAM और 32 GB इनबिल्ट मेमोरी रहती है इसमें। तो 1 GB RAM जो है ये सफिशेंट रहती है एक्सटूल के सॉफ्टवेयर के लिए। और मैंने ऑन किया तो कुछ इस तरह इसका इंटरफेस दिखता है, ठीक है। मैं आपको फ्लैश बंद करके दिखाता हूँ। ये देखो, इंटरफेस भी एकदम काफ़ी अच्छा दिखता है और जो स्टार्ट होने का स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब झट से स्टार्ट हो गया भाई। आपके सामने मैंने वीडियो भी कट नहीं किया, एकदम फट से स्टार्ट हो गया। इसमें जो सॉफ्टवेयर वगैरह, ये देखो, सॉरी, मैंने नेट कनेक्ट करने के लिए लगता है, रिमोट वगैरह यूज़ करने के लिए। तो इसमें आप वाईफाई से वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, बाकी भी ओएस मिलते हैं इसमें, एंड्रॉयड ओएस। ये देखो, ये इस तरह एंड्रॉयड ओएस मिलती है। और हमारा PS70 Pro, ये इसका जो सॉफ्टवेयर है डायग्नोस्टिक का या फिर स्कैनिंग का, ये मिल जाता है, ठीक है। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या क्या है। इसके साथ ही साथ ये हमारी मेन स्कैनिंग के लिए लगने वाली केबल है, ठीक है। तो केबल के ऊपर रखने वाला ये एडेप्टर है इसमें, ठीक है। तो ये हमारी कार के OBD पोर्ट में लगेगी, ठीक है, और एक साइड हमारे टैप को लगेगी। दूसरा इसमें ये चार्जिंग और डाटा केबल मिल जाती है। इसके साथ ही साथ ये कुछ चार्जर है, इसमें आप इंडियन और बाकी मुझे लगता है US प्लग वगैरह, इस तरह दोनों प्लग दिए हुए हैं, तो ये कुछ यूज़ नहीं होने वाला, तो इंडियन प्लग ही यूज़ होगा। तो दोनों एडेप्टर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो इधर इस तरह ये लगेगा और इंडियन प्लग में लग जाएगा। इसमें ये केबल लगेगी और यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इधर आपकी जो केबल है हमारी स्कैनिंग की, ये लगेगी और इधर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, ठीक है। इधर छोटा स्पीकर मिलता है और जो आप इसकी बॉडी और फिनिशिंग वगैरह देखोगे, थोड़े दाग वगैरह लग गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो बॉडी वगैरह एकदम मजबूत है और साइड में भी सपोर्ट दिया है, तो गिर वगैरह जाता है काम के दौरान वगैरह, तो कुछ इसको होगा नहीं। तो अभी इसमें अभी सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ सर्विस मिलती है। ये देखो, गेयरबॉक्स मैच, BMS रीसेट, सीट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये इतनी सारी, मैं सारी पढ़ के नहीं बताता आपको, देख लो आप क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ ब्रांड्स मिलते हैं, पोर्ड और होल्डेन वगैरह, डेमो BD2 मिलता है इसमें। चाइना में ये ब्रांड मिलते हैं आपको सब, अमेरिका में ये सब ब्रांड मिलते हैं, और इंडिया में टाटा, मारुति और महिंद्रा मिल जाता है। और ये जो स्कैनर है इंडियन ब्रांड के लिए, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं, इतना अच्छा काम करता है। और हमने भी इसी पर्पज़ से लिया है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्कैनर वगैरह थे, बाकी जो टिंगडाइक लॉन्च के वगैरह 2-3 थे, बाकी भी कंपनी के Volkswagen के जो कंपनी का आता है वो भी था, ठीक है। लेकिन ये मैंने क्यों लिया कि महिंद्रा की कार्स है, उसमें ECU फ्लैशिंग वगैरह इससे हो जाता है और इतना फास्ट होता है कि, मतलब अभी आपको डेमो दिखाऊंगा ही मैं, तो आप ही खुद देखोगे, ठीक है, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद एशिया में ये सारी कंपनी मिल जाती है और यूरोप में ये सारी कंपनी मिल जाती है, ये देखो। तो अभी इसको लगाते हैं कार में और कैसे काम करता है ये देखेंगे। अभी देखो, हम कार में आ गए, तो अभी मेरी जो विंटो है इसमें हम लगाने वाले। तो नीचे इसका OBD सॉकेट है, उसमें मैंने OBD केबल कनेक्ट की। और एक अच्छी बात दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे मैंने OBD केबल कनेक्ट की ना,
तो ये बैटरी का सिंबल देखो, ये चार्ज भी होने लगा। ये काफ़ी अच्छी बात है, इसमें इसको बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता है। जब आप कार में काम करते हो तो ऑटोमेटिकली ये चार्ज हो जाता है, और कभी टाइम लगा या फिर आपका ये जो टैब है डिस्चार्ज है, तो आपका काम मतलब अड़ा नहीं रहता। डायरेक्टली कार में जाते हो, ओबीडी सॉकेट लगाते हो, तो चार्जिंग भी होने लगता है। ये इसकी मुझे काफ़ी अच्छी एक बात लगी। ठीक है, अभी जाते हैं डायग्नोसिस पे। क्या यूरोप में फॉक्सवैगन क्या रहे, तो फॉक्सवैगन में जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अभी करते हैं ऑटोमेटिक डिटेक्शन, और स्पीड देखो काम करने का इसका। ये देखो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया कौन सी गाड़ी है, मुझे सिलेक्ट भी नहीं करना पड़ा। सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, एकदम फास्ट काम करता है। ये देखो अभी इसका जो सारी सिस्टम है ना, वो स्कैन करते हैं हम। ये देखो ये कम्युनिकेट हो रहा है, ये देखो इसने क्या क्या स्कैन कर दिया, कितने मतलब विद इन मोमेंट्स में इसने ECU स्कैन किया, ब्रेक स्कैन किया, एयर कंडीशनर स्कैन किया, सेंट्रल इलेक्ट्रिक स्कैन कर दिया, एयर बैग, डैशबोर्ड जितने भी है ये सब स्कैन कर दिए। ठीक है, तो अभी हमारे सब सिस्टम है उसमें तो कुछ फॉल्ट नहीं है, हमारा जो गेटवे है उसमें फॉल्ट है, तो इसमें डायग्नोस करेंगे हम। ठीक है, ये देखो अभी फॉल्ट कोड रीड करते हैं। नो सिग्नल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने आफ्टर मार्केट म्यूजिक प्लेयर डाला है, इसके लिए उसका जो फॉल्ट कोड है वो मतलब क्रिएट हो रहा है, तो वो तो मुझे मालूम है। ठीक है, और इंजन के वगैरह जो फॉल्ट कोड है तो वो भी बता देगा। ये देखो ECU में जाते हैं, डायग्नोस में। ठीक है, अभी कम्युनिकेट कर रहा है ECU के साथ। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आप बेसिक सेटिंग कर सकते हैं, एडेप्टेशन करते हैं, जैसे कि इवेंटों में हमारे टर्बो का एडेप्टेशन करना पड़ता है, कुछ वैल्यू रीसेट करनी पड़ती है, या फिर इंजेक्टर का जो हमारी गाड़ी का इंजेक्टर काम करने के बाद नॉकिंग वगैरह करते हैं, तो माइक्रो एडेप्टेशन मारना है तो वो मार सकते हो। मतलब जितना भी काम है वो सारा ये कर देता है। इसके बाद मारुति टाटा वगैरह जो रेगुलर कार्स है उनका इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग करता है, की प्रोग्रामिंग करता है, रिमोट प्रोग्रामिंग करता है, मतलब ऐसा ये कुछ ना करता है रेगुलर यूज़ में, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इतना सारा काम ये कर सकता है, और एक वीडियो में दिखाना भी मुश्किल है इतना काम ये करता है। ये देखो एडेप्टेशन में गए, इंजेक्टर कोडिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके साथ ही साथ तो और भी कुछ फीचर वगैरह दिए हुए हैं। एडेप्टेशन में गए, बेसिक सेटिंग में देखो कॉम्प्रेशन टेस्ट, एक्सचेंज वैल्यू रीसेट। ठीक है, इसके बाद EGR वॉल का एडेप्टेशन है। इसके साथ ही साथ बहुत कुछ मतलब टर्बो चार्जर का एडेप्टेशन है। ये देखो एडेप्टिंग इंजेक्टर मिनिमम क्वांटिटी डिवेशन, जो मैंने बताया ना इंजेक्टर का एडेप्टेशन करना पड़ता है, नॉकिंग करती है गाड़ी तब फॉक्सवैगन की वगैरह, वो सब कर देता है। तो फॉल्ट कोड तो एकदम प्रॉपर पकड़ता है, आपने तो देख ही लिया। ठीक है, तो फॉल्ट कोड के साथ साथ मैकेनिक को चाहिए होता है लाइव डेटा कैसे दिखाता है, क्योंकि लाइव डेटा पे भी बहुत सारा मतलब हमारा काम डिपेंड होता है। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी में फॉल्ट कोड तो कुछ भी नहीं है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हमें लाइव डाटा की हेल्प लेनी पड़ती है। तो लाइव डाटा देखते हैं कैसे दिखाता है। तो डिफॉल्ट लाइव डाटा में जाते हैं, ये देखो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, तो इसमें से हम कुछ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजन स्पीड सिलेक्ट करता हूँ मैं, कूलेंट टेम्परेचर। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होता तो क्या क्या करना पड़ता है, मैं दिखाता हूँ। एक तो हमारा इंजन स्पीड सिलेक्ट करना पड़ता है, तो गाड़ी RPM बता रही है या नहीं बता रही है। RPM मतलब जो हमारा कैम और क्रैंक के सेंसर में प्रॉब्लम है, तो RPM नहीं बताएगी तो इंजन स्पीड नहीं दिखाएगी। ठीक है, अगर बंद पड़ी है तो मैं वो बोल रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें रेल प्रेशर वगैरह चेक करना पड़ता है, इंजन टेम्परेचर। ये देखो AC का रेफ्रिजरेशन मतलब गैस जो होता है उसका भी प्रेशर बताएगा ये। ठीक है, अभी मुझे रेल प्रेशर ढूंढना है। डेविएशन क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेविएशन क्वांटिटी से आपको समझ में आता है कौन सा इंजेक्टर फॉल्टी है। ठीक है, फैन देख सकते हैं, फैन की स्टेटस क्या है ये सब देखते हैं, टोटल वॉर की ये जो देख सकते हो टोटल वॉर कैसे काम कर रहा है उसके एक्टिवेशन। ये देखो एयर प्रेशर सेंसर रेगुलेशन, ये देखो बहुत बहुत ऑप्शन दे रखे हैं। एक्सीलरेशन, EGR स्पेसिफिक वैल्यू, फ्यूल प्रेशर। ठीक है, इतने सारे लेते हैं और देखते हैं। ये तो बंद पड़ी गाड़ी में लाइव डाटा ही हेल्प करता है, तो ये देखो
ये फ्यूल प्रेशर वगैरह ज़ीरो है। अगर फ्यूल प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम है, DRV ख़राब है, हाई प्रेशर पंप ख़राब है, या फिर इंजेक्टर रिटर्न छोड़ रहा है, तो ये प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी हमारी गाड़ी तो ओके है। ठीक है, तो अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि डाटा दिखाता है एक्चुअल असर में कैसे है। ये देखो फ्यूल प्रेशर भी बढ़ गया। ठीक है, ये देखो ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल रेगुलेटर वॉल, कैमशाफ्ट RPM, क्रैंकशाफ्ट RPM। ये देखो कैम और क्रैंक कैसे RPM एकदम प्रॉपर दिखा रहा है। इससे हमें पता चलता है हमारा कैम सेंसर और क्रैंक सेंसर कैसे काम कर रहा है, एकदम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे नहीं पता चला, इसमें ग्राफ भी मिलता है। ये देखो इसमें कुछ मतलब प्रॉपरली दिखता है सब, गेज से पता चलता है। इसके साथ ही साथ वेव जो होते हैं, कोई RPM वगैरह ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो ये ग्राफ हमें हेल्प करता है। ठीक है, वो डिटेक्ट करने में दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। ये देखो, ठीक है, फिर से हमारे टेबल पे आते हैं। ये देखो इंजेक्टर डेविएशन से हम पता करते हैं कि इंजेक्टर की हालत है ये कैसी है। ये ज़ीरो के आसपास होनी चाहिए, सारे के ज़ीरो के आसपास है, एकदम तो प्रॉपर है। ज़्यादा बढ़ गए, ज़्यादा कम हो गए तो उस इंजेक्टर का प्रॉब्लम होता है। AC का प्रेशर है, प्रॉपर है। इंजन का टेम्परेचर देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, वो भी एकदम प्रॉपर है। फ्यूल रेल का प्रेशर दिखा रहा है MPM में, वो भी ठीक है। इंजन स्पीड देखो, ये देखो रेस करूँगा तो बढ़ेगा, मतलब जो लाइव डाटा दिखा रहा है एकदम प्रॉपरली दिखा रहा है। अब स्कैनिंग तो हमने स्टॉप कर दिया, इसके साथ ही साथ और एक फीचर आपको मिल जाता है, रिपोर्ट। स्कैनिंग के जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हो। देखो इतने मैंने पहले यूज़ किया, उसके रिपोर्ट है। रिजनरेट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। ये टाटा का पॉक्स वैगन के वगैरह में लगाया था मैंने। ये देखो टाटा का रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ, एक 3-4 दिन पहले मैंने किया था। ये देखो इसमें सारा डिटेल्स रहेगा, कब किया, डेट तारीख वगैरह सब रहेगा इसमें। देखो कौन कौन से फॉल्ट है ये दिखाएगा। ये देखो DTC वगैरह। और ये आप कस्टमर को चाहे हो तो भेज भी सकते हो, मेल कर सकते हो, या फिर इसमें व्हाट्सएप वगैरह डाल के भी सेंड कर सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, मतलब सारा रिकॉर्ड रखता है। आप जब स्कैन करते हो तो वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो और वो वीडियो देख भी सकते हो। ये देखो मैंने छोटा सा किया था। ये देखो तो इस तरह पूरा वीडियो भी बना सकते हो और दिखा सकते हो कस्टमर को, या फिर उसको भेज सकते हो। तो इस तरह मैंने आपको ये जो एक्सटूल PS70 Pro इंडियन वर्जन है, इसकी जो सारी डिटेल्स है वो बताई, स्कैनिंग कैसे करता है, लाइव डाटा कैसे चेक करते हैं, ये सब दिखाया। स्पेशल फंक्शन कौन कौन से आते हैं ये भी दिखाया। तो इसके साथ और भी स्पेशल फंक्शन आते हैं, जैसे कि हमारे की प्रोग्राम, रिमोट कंट्रोल प्रोग्रामिंग, इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग, ECU प्रोग्रामिंग। किसी कार का हम इमोबिलाइजर बदलते हैं, ECU बदलते हैं, या फिर चाबी की चिप बदलते हैं, उसका प्रोग्रामिंग करना है तो ये कर सकते हो। और जितनी भी नई कार आ रही है उसका सबका इसमें कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज है। इसके साथ ही साथ ये जब हम स्कैनर लेते हैं तो ये सस्ती वाली चीज़ नहीं है कोई, थोड़ा महंगा स्कैनर है ये। ठीक है, लगभग मार्केट में 65,000 रुपीज़ वगैरह इसका जो प्राइस चालू है, लेकिन मुझे थोड़ा सस्ते में पड़ा। कहाँ से लिया, कैसे पड़ा, ये भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये स्कैनर है, इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट की भी ज़रूरत रहेगी। तो आप जो ये स्कैनर लेते हो उसी आदमी से आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, मतलब अच्छा आदमी हो, टेक्निकल सपोर्ट करने वाला आदमी हो, उसी से लेना है। तो हमने ये तो स्कैनर पहले यूज़ किया है, हमें ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमारे मैकेनिक भाई है, पहला ही स्कैनर ले रहे हैं, या फिर उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं, सीख रहे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल सपोर्ट। तो ये आप अगर डायरेक्ट कंपनी से लेते हो, एक्सटूल इंडिया जो कंपनी है उनसे लेते हो, तो ये जो कंपनी है ये आपको अच्छे रेट में भी देती है, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट है। डायरेक्ट आप उनसे लेते हो तो एकदम अच्छे रेट में मिलता है। इसके साथ ही साथ उनका टेक्निकल सपोर्ट भी अच्छा रहता है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और 2 साल के फ्री अपडेट मिलते हैं जब आप लेते हो, वहाँ से 2 साल तक और 1 साल तक वारंटी मिल जाती है। तो ये जो एक्सटूल इंडिया है, इनकी वेबसाइट है, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो उस लिंक पे जाके आपको क्या करना है, डायरेक्ट परचेस नहीं कर सकते वहाँ से, वहाँ पे आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, नंबर डालना है, तो कंपनी से आपको कॉल आएगा, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी कंपनी आपको वो प्रोवाइड करेगी। तो गैरेज यूज़ के लिए और इंडियन कार से, मतलब इंडिया में जितनी कार, इंडियन कार तो है मारुति टाटा वगैरह जो रेगुलर, और इंडिया में जितनी भी कार्स है उसके लिए सबसे बेस्ट टूल मुझे ये लगा। ठीक है, और अभी ये जो टूल है ये हमारे फैमिली में ऐड भी हो गया है,
तो ये टूल आपको दिखता रहेगा। आप कहोगे इस वीडियो में इतना ही दिखाया है, सिर्फ स्कैनिंग वगैरह दिखाई, ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन दिखाए नहीं, महिंद्रा का ECU फ्लैशिंग जो करता है उसके लिए ये स्पेशल है, ये दिखाया नहीं कि प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे करते हैं, ये दिखाया नहीं, तो एक एक वीडियो बनेगा इसके ऊपर। तो अब तो हमारे पास आ गया है, हमने ले लिया है, तो एक एक वीडियो दूंगा उसका भी आपको, क्योंकि एक वीडियो में सारा बताऊँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट के वीडियो मिलेगी आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।